महाराष्ट्र के खामगांव में लावारिस मोतीराम चावरे उम्र लगभग 62 वर्ष का ये मरीज खामगांव के भाजपा कार्यालय के ऊपर 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक तड़प रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने बीमारी से तड़प रहे इस लावारिस की मदद नहीं की। वहीं जब घटना की जानकारी समाज सेवी संगठन एक निष्ठा फाउंडेशन को 3 अप्रैल दोपहर 4 बजे मिली तो एक निष्ठा फाउंडेशन के संस्थापक सूरज भैया यादव, गब्बू गुजरीवाल, सत्यजीत देशमुख, चेतन डाकुर, संजय मदारी वाले, पंकज अंबारी, किशोर भोपशे, दशरथ तायड़े आदि लोगों ने उस जख्मी वृद्ध को खामगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर की जानकारी के मुताबिक लावारिस राजेश चावरे को पैरालिसिस का झटका आने से उनका दाहिना हाथ और पैर काम नहीं कर रहा, वहीं उसके आगे की ट्रीटमेंट सामान्य अस्पताल में जारी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सूरज यादव की रिपोर्ट, महाराष्ट्र। जनपद छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों के ऊपर होती है उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं ईवीएम व वीवीपैट लेकर मतदान दल को मौजूद साधनों से केंद्रों में भेजा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जहां मतदान दलों को जीप, बस या कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से भेजा जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग दुर्गम इलाकों से भरा पड़ा है। भौगोलिक चुनौतियों के साथ साथ यहां नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा जिला नक्सल क्षेत्र हैं, जिसमें कि बस्तर संभाग से 2 लोकसभा सीटें, जिनमें बस्तर और कांकेर लोकसभा सीट धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। साथ ही चप्पे चप्पे पर नक्सली खौफ और जानलेवा बारूदी सुरंगों का बिछा खतरा मौजूद है। ऐसे में यहां मतदान कराना एक बड़ी चुनौती के साथ ही चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नक्सली खौफ की वजह से इन इलाकों में मतदान कराने के लिए आयोग दल द्वारा और चुनाव सामग्री को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।